नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9 प्रथम इकाई जिसका नाम है आराधना, इसके बारे में अभ्यास करेंगे। जिसका साहित्य स्वरूप है काव्य और कवि है वसंत बापट, जिसका जन्म ईस्वी सन 1922 में, मृत्यु निधन ईस्वी सन 2002 में हुआ। यहाँ पर काव्य का जो शीर्षक है आराधना, आराधना यानी कि प्रार्थना, उपासना, विनती। कवि के मन में जो एक मानवता के प्रति एक भावना के लोगों को कैसे जीना चाहिए, आज हम देख सकते हैं कि पूरे संसार में लोग भेदभाव से जी रहे हैं। वह चाहे जाति का हो, धर्म का हो या ऊंच नीच का, सभी भेदभाव आज के समाज में देखने को मिलते हैं। कवि इस काव्य के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें सभी भेदभाव को भुलाकर एक विश्व बंधुत्व की भावना को स्थापित करना है। विश्व बंधुत्व की भावना अगर साकार हो गई तो पूरे विश्व में, पूरे संसार में कोई भी मनुष्य एक दूसरे के साथ शत्रुता नहीं रखेगा। यही बात इस आराधना काव्य के आधार पर प्रस्तुत की गई है। सबसे पहले देखते हैं हम कवि परिचय। इकाई 1 आराधना, साहित्य स्वरूप काव्य, कवि श्री वसंत बापट, जन्म सन 1922, निधन 2002। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। कर्मभूमि यानी कि हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं, हमने अपने पूरे जीवन में जो कार्य किए हैं उसे कहते हैं हमारी कर्मभूमि। पुणे वसंत बापट की कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं, व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। वसंत बापट की कोई भी कृति हो तो यह तीन बातें हमें उसमें देखने को मिलती है। सबसे पहले बात बताई गई राष्ट्रभक्ति, उसके बाद समाज जागरण और तीसरी बात बताई मानवीय संवेदना, अनुभूति। ये तीन बात हमें उसकी कोई न कोई कृति में देखने को मिलती है। सेतु, बिजली, सकीना, अकारवी, ग्यारहवीं दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना सत्यम, शिवम, सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, भेदभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुवादित है। यह प्रार्थना मराठी भाषा में लिखी गई है लेकिन हिंदी में इसका अनुवाद हुआ है। यहाँ पे बताया गया हस्तांतरण, एक हाथ से दूसरे हाथ में कोई भी कार्य आगे बढ़े तो उसे कहते हैं हस्तांतरण करना। हमें जीवन में भेदभाव को भुलाना है, बैर और दुश्मनी को भुलाना है। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुखी है तो उसे दुख से बाहर निकालना है और समग्र विश्व पर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना है। यही काव्य का मूल उद्देश्य है। काव्य की शुरुआत करते हैं। देह मंदिर चित मंदिर, एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। पहली दो पंक्ति में हमें बताया गया है देह मंदिर, देह यानी कि शरीर, शरीर एक मंदिर है। चित मंदिर, चित यानी कि मन, मन एक मंदिर है। एक ही है प्रार्थना, प्रार्थना यानी कि विनंती। कवि कहना चाहते हैं कि वह अपने शरीर से, अपने मन से यही प्रार्थना करते हैं
કે સમાજ કે હરેક વ્યક્તિ કા જીવન સત્ય સુંદર ઓર મંગલકારી નિત્ય પ્રતિદિન યહી કામના યાની કે ઈચ્છા રખતે હૈ કે સંસાર કે સભી મનુષ્ય અપને જીવન મે સત્ય કો પ્રાપ્ત કરે ઉસકા જીવન સુંદર ઓર માંગલ્ય યાની કે શુભકારી પસાર અપને જીવન મે કોઈ ભી દુઃખ ન આવે યહ કભી અપને શરીર ઓર મન સે સોચતે હૈ દૂસરોં કે લિયે કુછ અચ્છી ભાવના દૂસરોં કે બારે મે હિતકારી ભાવના દુખિયારો કા દુઃખ જાય હૈ યહી મન કામના મન કામના મન કી ઈચ્છા ઇસ સંસાર મે જો કોઈ ભી વ્યક્તિ દુઃખી હૈ ઉસ દુઃખી વ્યક્તિ કા દુઃખ દૂર હો જાય યહી કભી ઈચ્છા રખતે હૈ વેદના કો પરખ પાને જગાયે સંવેદના વેદના યાની કી પીડા દુઃખ સંસાર મે કઈ ભી એસે લોગ હૈ જો દુઃખી હૈ પીડિત હૈ લેકિન ઉસસે ઉપરી વર્ગ કા કોઈ વ્યક્તિ હૈ તો ઉસે સામને વાલે વ્યક્તિ કા દુઃખ સમજના સહાનુભૂતિ કરની હૈ અગર વ્યક્તિ ઉસ દુઃખ કો સમજ સકેંગે અપને આપ મે સમજ સકેંગે તો વહ દુખિયારો કા દુઃખ દૂર કર સકેંગે દુર્બલો કે રક્ષણા પૌરુષ કી સાધના દુર્બલો કે રક્ષણા દુર્બલ યાની કે કમજોર પૌરુષ જિસમે સાહસ હૈ જિસમે હિંમત હૈ હિંમત ઓર સાહસ રખને વાલે લોગ ઇસે કહેતે હૈ પૌરુષ યહાં પે હમે બતાયા ગયા હૈ કે જીવન મે જો કમજોર લોગ હૈ ઉસ કમજોર લોગ કા દુઃખ વહી દૂર કર સકતે હૈ જિસમે હિંમત હૈ જિસમે સાહસ હૈ જિસમે તાકત હૈ ઓર વહ વ્યક્તિ હમારે સમાજ મે જો દુઃખી હૈ જો ન અવસ્થા મે જી રહે હૈ ઉસકા દુઃખ દૂર કર સકેંગે જીવન મે નવ તેજ હો અંતરંગ મે ભાવના જીવન મે નવ તેજ નવ તેજ યાની કી એક પ્રકાશ એસા પ્રકાશ જો હમારે જીવન મે એક દિવ્યતા પ્રગટ કરે સાથ બતાયા ગયા હૈ અંતરંગ મે ભાવના અંતરંગ યાની કી અપના હૃદય અપના મન જો હમારે શરીર કે અંતરી ભાગ હૈ યહાં પે કવિ ને બતાયા ગયા હૈ કે હમારે જીવન મે એક નયે પ્રકાશ કા સર્જન હો હરેક વ્યક્તિ કે જીવન મે અગર દિવ્યતા પ્રગટ હોગી તો વહ કુછ ના કુછ નયી સોચ અપને જીવન મે પ્રાપ્ત કર સકેંગે ઉસકે શરીર મે કભી ભી એસે વિચાર ન આયે કે કોઈ ભી વ્યક્તિ કો વહ કેસે દુખી કર સકે ઉસકે મન મે હંમેશા એક નયા પ્રકાશ ઉસકા સર્જન હો સકે સુંદરતા કી આસ હો માનવતા કી હો ઉપાસના ઉપાસના યાની કી પ્રાર્થના વિનંતી સુંદરતા કી આસ આસ યાની કી ઈચ્છા હરેક વ્યક્તિ કા જીવન સુંદર બસા હો હરેક વ્યક્તિ અપને જીવન મે એક દૂસરે વ્યક્તિ કે સાથ માનવતા પ્રાપ્ત કર સકે દૂસરે વ્યક્તિ કા દુઃખ સમજ સકે અગર કોઈ દૂસરા વ્યક્તિ નિમ્ન અવસ્થા મે જી રહા હૈ તો ઉસે વહાં સે ઉપર ઉઠા સકે યાની હર વ્યક્તિ કા જીવન સુંદર તરીકે સે પસાર હો સકે શૌર્ય પાવે ધૈર્ય પાવે યહી હૈ અભ્યર્થના શૌર્ય યાની કી શૂરવીરતા ઓર ધૈર્ય યાની કી ધીરજ હમારે સંસાર મે હમારે ભારતવર્ષ મે હર વ્યક્તિ શૂરવીર હૈ હમારે દેશ મે હર વ્યક્તિ કો ધીરજ રખની ચાહીએ ધૈર્યવાન બનાએ રખના ચાહીએ હર વ્યક્તિ શૂરવીર હોગા હર વ્યક્તિ ધૈર્યવાન હોગા તો હર વ્યક્તિ અપને જીવન મે હંમેશા હી આગે બઢતા રહેગા કભી ભી અપને મન મે યહી ઈચ્છા રખતે હૈ કે હરેક વ્યક્તિ કા જીવન સુંદરતા સે પસાર હો વેદ સભી અસ્ત્ર હોય બેર ઓર વાસના બેર યાની કી દુશ્મન હમારે સમાજ મે અનેક પ્રકાર કે ભેદ દિખાઈ દેતે હૈ જાતિ કા ભેદ
धर्म का भेद, ऊंच-नीच का भेद, अमीर गरीब का भेद, ये सारे भेद हमारे देश में पाए जाते हैं। इस संसार में यह सारे भेद हमें भूल जाना है, सभी के साथ मित्रता से रहना है, किसी के साथ शत्रु बैर दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, कवि ने यहां पे बताया गया है कि इस काव्य का मूल उद्देश्य क्या है। इस काव्य का मूल उद्देश्य है वसुदेव कुटुंबकम, सभी लोग संसार के एक दूसरे के साथ मिल कर रहे, भाईचारे से रहे, किसी के साथ कोई दुश्मनी ना हो, किसी के साथ कोई वैर ना हो, सब लोग एकता से। हम स्वतंत्र हो चुके हैं लेकिन स्वतंत्र होकर भी एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, ये वैर भावना छोड़कर एकता की दृष्टि से इस संसार के सभी लोगों के साथ हमें रहना है। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, हम मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बैर रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, बैर भावना, सारे भेदभाव को दूर करना है। और कैसे रहना है, एक ही बंधुता की कामना, कामना यानी कि इच्छा, एक ही बंधुत्व। कोई भी भारतीय व्यक्ति इस संसार में किसी भी देश में जाए तो पूरा संसार एक दूसरे के साथ हिलमिल के अनुसार, अगर पूरा संसार एक दूसरे के साथ हिलमिल कर रहेगा तो पूरे संसार में, पूरे विश्व में विश्व शांति का प्रतीक लहराएगा। तभी यहाँ वसंत बापट ने जो काव्य में बात प्रस्तुत की है कि हमें सारे भेदभावों को भुलाकर मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना है। यदि हम खुद उसे समझ सके, दूसरों के साथ भेदभाव कोई भी प्रकार का न रखे, सभी के साथ हिलमिल के रहे, गरीबों की सेवा करें, कोई भी व्यक्ति यदि संसार में दुखी है तो उसका दुख दूर करे, तभी विश्व बंधुत्व की भावना साकार हो सकती है। काव्य की समझ के बाद कुछ प्रश्न हमारे सामने दिए गए हैं, इसके बारे में हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। काव्य में हमने समझा, कवि नित्य सत्य सुंदर और मांगल्य की आराधना चाहते हैं। सबका जीवन सत्य के आधार पर चले, सुंदर और मंगलकारी चलता रहे। दूसरा प्रश्न है, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं। कवि जीवन में दुखियारों का दुख जाए, यह मनोकामना चाहते हैं। संसार के सभी लोग सुखी होकर इस संसार में अपना जीवन यापन करते रहे। तीसरा प्रश्न है, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ वीर पुरुष, जिसको हम कह सकते हैं जिसके पास हिम्मत और साहस हो, ऐसे पुरुष की साधना चाहते हैं। किसकी चाहना, वीर पुरुष की, जिसके पास साहस और हिम्मत हो। चौथा प्रश्न है, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं। कवि जीवन में दुखियारों का दुख जाए, यह अभ्यर्थना करते हैं, साथ हर एक व्यक्ति के जीवन में नव तेज का सर्जन, यह अभ्यर्थना करते हैं। पांचवा प्रश्न है, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं। कवि इस संसार में भेदभाव और सभी भेदभावों को दूर कर मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की भावना को स्थापित करना, यह कामना यानी कि इच्छा रखते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, विस्तृत प्रश्न के उत्तर। कोई भी पाठ या काव्य हो, विस्तृत प्रश्न में हमें एक बात हमेशा ही याद रखनी चाहिए, प्रश्न के उत्तर के पहले
हमें थोड़ी संक्षिप्त प्रस्तावना करनी चाहिए, वह चाहे पाठ हो या काव्य हो। इससे यह फायदा होगा कि कोई भी परीक्षक यदि उस उत्तर को जांच करेगा तो इसके आधार पर यह भी समझ सकेगा कि बालक इस इकाई के बारे में पूर्ण रूप से परिचित है। बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। कवि आराधना काव्य के आधार पर ऐसी मांगल्य की आराधना करते हैं कि सभी व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, शिव और मांगल्य की दृष्टि से अपना जीवन पसार करें। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छा सोचे, सत्य के मार्ग पर चले, जीवन में असत्य का कभी भी आधार न हो, एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे का साथ दे, दुखी व्यक्ति को उसका दुख दूर करे। अगर ये सब हो गया तो निश्चित ही सभी लोग आपस में हिल मिलकर रह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए। कवि वसंत बापट इस काव्य के आधार पर समझाते हैं कि इस संसार में जो दुखी है उसके दुख दूर होने चाहिए, दुखी व्यक्ति के दुख हमें समझने चाहिए और उसके दुख को समझकर उसका दुख हमें दूर करना चाहिए। व्यक्ति का दुख दूर हो गया तो वह भी अपना जीवन सुंदरता से जी सकेगा। तीसरा प्रश्न है, कवि की क्या अभ्यर्थना है। काव्य के आधार पर कवि की यही अभ्यर्थना है कि इस संसार में सभी व्यक्ति भेदभाव को भुलाकर, सभी भेदभाव को दूर करके एक दूसरे के साथ हिलमिल कर रहे। हर एक व्यक्ति के जीवन में नव तेज का संचार, हर एक व्यक्ति मानवता से एक दूसरे के साथ रह सके, यानी हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चल सके और हिल मिलकर एक दूसरे के साथ रह सके, यही अभ्यर्थना है। चौथा प्रश्न है, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं। कवि भेदों को नाश करने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज 21वीं सदी में भी हम कई भेदभाव में पड़ चुके हैं। जातिवाद, धर्मवाद, ऊंच और नीच के भेदभाव, अमीरी और गरीबी के भेदभाव, रंग और रूप के भेदभाव, यह सारे भेदभाव आज हमारे संसार में देखने को मिलते हैं। यदि पूरा संसार इस भेदभाव में ही रहेगा तो किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं होगा। यह सारे भेदभाव को हमें भूल जाना चाहिए, सभी व्यक्ति को एक दूसरे के साथ हिलमिल कर रहना चाहिए और व्यक्ति हिलमिल कर रहने लगा तो पूरे संसार में विश्व बंधुत्व की भावना साकार होगी। तीसरा प्रश्न है व्याकरण। काव्य में स्वाध्याय में हमें प्रश्न 5 बताया गया है विरुद्धार्थ शब्द, देखते हैं हम उसके बारे में। सबसे पहला शब्द है दुख, तो उसका विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द होता है सुख। दूसरा शब्द है जीवन, तो उसका विलोम होता है मृत्यु। तीसरा शब्द है सत्य, तो उसका विलोम होता है असत्य। चौथा शब्द है सुंदर, तो उसका विलोम होता है असुंदर। और पांचवा शब्द है अस्त,
तो उसका विलोम होता है उदय। यहां पर काव्यम स्वाध्याय में कुछ पांच प्रश्न हमारे सामने बताए गए हैं। तीसरा और चौथा प्रश्न हमने जो काव्य की समझ बताई उसमें उसके उत्तर में घुस जाते हैं। और पांचवा प्रश्न जो है व्याकरण का विरोधार्थी शब्द उसके उत्तर हमारे सामने आ गए। तो आशा है कि इस पूरे इकाई में पूरी समझ आपको प्राप्त हुई होगी। आभार।